नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। महाना मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती भी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण हुआ, उन्होंने नए पोर्टल जारी किए, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बारे में भी उन्होंने बताया। हमारे साथ खड़े हैं वर्दी SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। आज का ये सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, कैसा रहा? डिजिटल और वर्चुअल हुआ है ये सारा SDM साहब? ये आपने देखा, ये बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार ने काफ़ी प्रगति की है और हमने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते नेशनल लेवल पे। इस बार भी हम अवार्ड जीत रहे हैं और हमारी जो स्कीमें हैं वो भी काफ़ी सफल रही हैं। आज परिवार पहचान पत्र के जो है ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि उसके भी हमने जो लागू किया हुआ है उसके बारे में बताया। स्वामित्व योजना स्कीम जो लाल डोरा को ख़त्म करने से संबंधित है उसके बारे में बताया, और ई ऑफिस जो हमारा आज से शुरू हो जाएगा उसके बारे में बताया। तो मैं समझूंगा कि हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। सुशासन दिवस मनाने का एक मकसद होता है कि ट्रांसपेरेंसी भी लाना होता है, गुड गवर्नेंस यानी पारदर्शिता काम में लाना होता है। कितने अधिकारी आपके आए और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आपने यहाँ आवंटित बुलाए गए? आज हमने सभी अधिकारी बुलाए थे और लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर आए थे, और कुछ जो अधिकारी नहीं आ पाए थे वो उन्होंने अपने व्यस्तताओं के बारे में बता दिया था। तो लगभग सभी विभागों के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, गीत आंसू पूछ करके मैं सज्जन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ मेरा देश रहना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, पुनः आपने ये सुशासन दिवस को बड़े अच्छे ढंग से एक पूरी SOP की गाइडलाइंस की पालना करते हुए यहाँ सेलिब्रेट किया है, और मुख्यमंत्री जी की नई योजनाओं का भी आपने परसोनिफाई किया है। अगेन एक छोटा सा मैसेज बस। मैं हांसी की जनता को सुशासन दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं और सभी मेरे कर्मचारी अधिकारी साथी से अनुरोध करता हूं कि वो जनता के कार्यों को प्रमुखता से लें और बड़े ही ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से उन कार्यों को अमलीजामा पहनाएं। धन्यवाद साहब, थैंक यू। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू।